गुरुजन वर्ग नागरिक सज्जन माता भगिनी, बहुत अच्छी प्रतियोगिता आज हमको सुनने को मिली। प्रतियोगिता में तो बहुत लोग सहभागी हो गए थे, लेकिन जो तीन पहले आए उनका गायन सुन के ये प्रतियोगिता किस स्तर की हुई होगी इसकी कल्पना आती है। संगीत गायन गीत ये तो प्रत्येक मनुष्य में होता है, उसको बाहर लाना पड़ता है। मनुष्य के अंदर एक हृदय रहता है, दिल रहता है, हार्ट, वो धड़कता है, उसी से ताल है और मनुष्य का आवाज है जो चढ़ता उतरता है। चढ़ते उतरने के पहले पीछे की भावना कारण रहती है, मन में भावना आ गई, क्रोध आ गया तो आवाज ऊंची हो गई, प्रेम आ गया तो आवाज सरल हो गई, दुख आया तो आवाज कम हो गई। भावनाओं के कारण स्वर ऊंचा नीचा होता है तो उसमें से ये स्वर आए, और इनका काम भी यही है, भावनाओं को पहुंचाना, अच्छी तरह पहुंचाना। वैसे भावना हम बोलते हैं तो भी पता चलती है, परंतु ये केवल गीत नहीं है, सम्यक गीत है, इसलिए संगीत है। और इसलिए इसका यह सामर्थ्य है कि संगीत में जिन शब्दों का हम उच्चारण करते हैं वह शब्द अपने हृदय में जल्दी उतरते हैं, अपने बुद्धि में जल्दी बैठ जाते हैं। और इसलिए एक तो ऐसा कहा गया है कि जिसको ये संगीत नाट्य आदि कलाओं का कोई गम्य नहीं है, रुचि नहीं है, वो मनुष्य है ही नहीं। संगीत नाट्य आदि कला विहीना साक्षात पशु, पुच्छ विषाण ही ना, बिना पूछ और सीख का पशु ही है, ऐसा कहा गया है। ऐसे जो अपने स्कूल से बाहर चले गए अपना काम करके, उनको फिर से बुलाते हैं, रीयूनियन ऐसा नाम देते हैं। तो ये जो संबंध बनते हैं वो संबंध कभी मिटते नहीं, ऐसे ही संबंध साथ में गाने से भी बनते हैं। और साथ में गाना राष्ट्रीय एकात्मता का हो तो वो एकात्मता और दृढ़ हो जाती। और इसलिए स्पर्धा हुई, स्पर्धा है तो कुछ जीतेंगे कुछ नहीं जीतेंगे ये पक्का है, लेकिन ये स्पर्धा हुई अच्छा गाएं और नंबर आया, नंबर आया नहीं आया ये बात अलग है, गौण है। लेकिन हमने सबने मिलकर साथ में अच्छी प्रस्तुति देने का प्रयास किया, ये महत्व की बात है। उसके कारण इस संगीत से जो परिणाम होना चाहिए देशभक्ति का और हम सबकी एकता का, वो होता है, वो हमको मिला लाभ।